चोरियां ज्यादा ही चल रही है। फायदे की जगह ये तो नुकसान हो गया। बोलो मेरे साचे दरबार की जय। मैंने तो बच्चे को आभास भी कराया था कि कुछ होगा, और जब जब मैंने इसको आभास कराया तब तब घटना घटी पूरी। तो ध्यान किसने नहीं दिया? कराए नहीं बच्चे मैंने? कराया था। अगर नहीं कराया तो बोल दे। कराया था। तो ध्यान तो देना पड़ेगा ना। तुम तो सोचे तो बच्चा है, सिर्फ वैसे ही बोल देता है, यही चलते है ना मन में विचार। इसके अंग संग सहाय हूँ मैं, क्योंकि ये दरबार नहीं आता, लेकिन तुमसे ज्यादा इसके गुरु के प्रति भाव जुड़े हुए हैं। तो जहाँ गुरु के प्रति भाव जुड़ते हैं मैं वहीं पहुंच जाती हूँ। जयकारा मेरे कोट पंगाल मैं प्यार करता हूँ आपसे। कितनी बार दर्शन दे दिए गुरु स्वरूप में, बच्चों के स्वरूप में मैं तो आगे चलती हूँ। जकारा मेरे कोट बंगाल का। जो ये नुकसान हुआ है बच्चे, तुम्हारे बच्चों पे कष्टी थी मैं बता दूं, जो मैंने नीचे से नीचे उतार दी, क्योंकि दोनों बार बच्चों पे कष्टी थी। तब भी जब एक बार पहले बार हुई चोरी तब बच्चे अंदर थे, क्योंकि वो बच्चों पे भी कर सकते थे, और मैंने बच्चे को तब भी महसूस कराया था कि बच्चे कुछ घटना घटेगी। और दूसरी बार हुआ मैंने तब भी महसूस कराया कि कुछ घटना घटेगी। मैं मन को बेचैन कर देती हूँ और इसके मन में विचार डालने शुरू कर देती हूँ। तो जो ये बोलता है ना वो मेरे वचन होते हैं। जिकारा मेरे कोट पंगाल, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं दरबार तुम्हारा भी छूट जाता। दरबार तुम्हारा भी छूट जाता, लेकिन इस बच्चे को मैंने अपना रखा था, तभी मैं इसके बच्चे के माध्यम से मैं तुम्हें बार बार जागृत कर देती कि ऐसा नहीं ऐसा है। फिर मैं सत्यता को तुम्हारे सामने लाती रही।
बच्चे ने जो जो वचन बोले कि मम्मी ऐसा नहीं है ऐसा है, फिर वैसा था या नहीं था, जो जो वचन बच्चे ने बोले, चिकारा मेरे कोट बंगाल का। तो मैंने तो हर एक वचन सत्य कर, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि वचन मेरे हैं, बच्चे के वचन नहीं है, क्योंकि इसके भाव मेरे प्रति जुड़ चुके हैं। चिकारा मेरे कोट बंगाल का। और कामयाब कराऊंगी मैं बच्चे को, ये भी मेरा वचन है। और धूम धड़ाके की कढ़ाई लूंगी मैं अपने दरबार में ढोल नगाड़ों के साथ। उसकी चिंता करके बैठी है ना, कैसे घर का चलेगा, कब बच्चे कामयाब होंगे। अब तो बच्चों के खाने के भी लाले पड़ गए हैं, रोज मेरे सामने बैठ के यही बोलती है, माँ कैसे होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, बैठी तो मैं ही हूँ सब जगह। चिकारा मेरे कोट बंगाल का। चिकारा मेरे कलकत्ते धाम की जा, कृपा होगी शंकर जी पे नित्य जल चढ़ाना, और मेरी लगातार फेरियां पढ़ना 11, ये भी बता दूं मैं तुम्हें, परीक्षा होगी इस बीच में, पहले भी ली थी मैंने, अरे फिर मैं फिर लूंगी दोबारा से। चाहे बच्चा आए, चाहे तू आए, चाहे कोई आए, अड़चने लगेगी लेकिन छोड़ना मत, जा कृपा होगी। बोलो मेरे साचे दरबार।